ये सरकार बोलती है, भाजपा सरकार गरीबों का अच्छा सोचती है, कैसे गरीबों का अच्छा सोच रही है, खाली ये उद्योगपति का अच्छा सोचती है भाजपा सरकार। ये मोदी जी ने तो कहे थे ना सबका साथ सबका विकास, पण करे दबने करे दबने, कैसा भी करेगा पेट तो हम भर देगा। नरेंद्र मोदी हो गए चाहे राजीव गांधी हो, कोई हमारा भला करा नहीं है। 5 साल से आ रहा हूँ, कुछ भी मैंने तो नहीं देखा मोदी ने कुछ किया है। पानी से भटक रहे, सब जात से भटक रहे, हमको रास्ता चाहिए चाहिए चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, सुविधा निकालो बस, 100 बात की एक बात, हम वोट भी बाद में देंगे नहीं तो नहीं देंगे। कंटाप में आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। देख सकते हैं आप, गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी फिलहाल में हम गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो नरोड़ा विधानसभा कहा जाता है, नरोड़ा विधानसभा और जो कैसे कहते हैं कुबेर नगर संतोषी नगर निचाली मारवाड़ी निवास ये एरिया है। यहाँ वालों का कहना ऐसा है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है और ये पूरा रास्ता है, पीछे पूरी बस्तियां है। कम से कम तकरीबन यहाँ वालों का कहना है कि 20,000 के आसपास यहाँ पर वोटर हैं। सवाल ये, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट लगा दी गई है। यहाँ वालों का कहना ऐसा है कि भाई ये जो कोर्ट वगैरह लगाए हैं, इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव का जो माहौल चल रहा है, सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है कि जनता की जो समस्या है उनकी बात को सुना जाए, उनकी तकलीफों का निकान करा जाए, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है ये कि यहाँ पर उल्टा जो है समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है और परेशान करा जा रहा है जनता को, यहाँ वालों का ऐसा आरोप है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, भाई क्या मामला है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम परवीन चुनाल मारवाड़ी है। परवीन जी, क्या कहोगे आप? देख सकते हो क्या पूरा माहौल है, बताइए क्या बात। खराब माहौल है भैया, बहुत हैरान है पब्लिक, आगे बहुत काफ़ी परेशान है और कुछ रास्ता कहीं है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ से कम 3 किलोमीटर तक रास्ता बंद कर दिया सब जगह पे। अच्छा, पब्लिक आवे जावे कहाँ से? कोई बूढ़ा है, कोई लेडीज है, कोई प्रेगनेंट औरत है, कहाँ से आवे जावे? ये सरकार बोलती है, भाजपा सरकार गरीबों का अच्छा सोचती है, कहाँ से गरीबों का अच्छा सोच रही है, खाली ये उद्योगपति का अच्छा सोचती है भाजपा सरकार। ये और किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा? ये हमारा भाई है, भाई बात करेंगे हमारे बड़े साहब। इधर 20,000 की बस्ती है, 20,000 की बस्ती बरसों से रह रहे, हमारी भी जिंदगी इधर चली गई है क्या? ये पूरा 20,000 की बस्ती है, गांव का रास्ता है ये, अभी बंद कर दिया। अभी देखने जाए तो वोट हम सब में ही डालते हैं, भले कांग्रेस हो के भाजपा है, हम तो वोट देने के धनी है क्या? हमारा किसने को भला किया नहीं है क्या? कभी किसने आगे हमको देखा नहीं है? मोदी जी ने तो कहे थे ना सबका साथ सबका विकास, पण करे तब ने हम देखने जावे तो हम देख रहे ये गांव में देख रहे 100 से देखने जावे तो 90% अनपढ़ है इसमें क्या? 90% अनपढ़ है, 10% पढ़े ले बोला ना दादा। जो हमारे जो है तकलीफ है, जाने की तकलीफ है, दूसरी कोई तकलीफ नहीं, हम मेहनत करके तो हम गुजारा कर देंगे, लेकिन आने जाने की तकलीफ है। आने जाने का हमारे सोचता चाहिए, हमको रास्ता चाहिए। बुढ़े मानस है, 60-70 बरस के चल नहीं सकते हैं, नज़दीक के दवा खाने में जा नहीं सकते हैं, स्कूल में बच्चे छोटे छोटे जा नहीं सकते, हमको वो दिक्कत है। कैसा भी करेगा पेट तो हम भर देगा। नरेंद्र मोदी हो गए चाहे राजीव गांधी हो, कोई हमारा भला करा नहीं है, हम गरीब के गरीब है, कोई सहायता नहीं है, अनपढ़ है। 27 साल से मोदी जी की सरकार है तो कोई जात की आपको सहायता नहीं मिली? कोई जात की सहायता नहीं मिलो, ये सब बैठे पूछो बस, सिक्के से नहीं मिली, नहीं मिला। 5 साल से आ रहा हूँ, कुछ भी मैंने तो नहीं देखा मोदी ने कुछ किया है, कुछ भी नहीं देखा मैंने अभी तक, जैसा हो ऐसा ही अभी अपनी मेहनत पे ही हूँ। मोदी जी तो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं 18-18 घंटा काम करते हैं मोदी जी, मूर्ति करते हो कहाँ करते हो, हमको हमने देखा भी नहीं मोदी। विकास कर रहे इतना गुजरात का, विकास कर रहे कहाँ पे कर रहे? हमारा तो कुछ कर रहे कहाँ पे बताओ हमको? हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पुले बनने स्थल का सोने का, खाली पुले बनाने की, ब्रिज बनाने का, उसका विकास खाली, कुछ ना कुछ मकान दो सब कुछ, ये जो रास्ता बन गया था यहाँ पे, तो बेटा कुछ नहीं किया मोदी ने अभी। महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं से पानी से भटक रहे, सब जात से भटक रहे, हमको रास्ता चाहिए चाहिए चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, नहीं पानी, नहीं झाड़ू, नहीं बाथरूम, औरता नगिया हो क्या अपनी जांग बताती है, बरोबर ना? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो?
मैंने आपको बोला ना ये रास्ता बाकी खुलवा दो बस और कुछ नहीं। सकते हैं, घर है, खाली बस ये घर है, ये घर का दरवाजा है, गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट लगा दी गई है, दीवार लगा दी गई है। सवाल ये महिला लोग घर में कैसे जाएंगी, दरवाजा है, गेट है, पूरा घर मकान बना हुआ है, आगे भी पूरी कोर्ट लगा दी गई है। आपका मकान है ये? हाँ मेरा मकान है, 5-6 लाख रुपए लगा के मकान बनाए हैं, अभी मकान में रह नहीं सकते हम, जाए कहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके, हमारे रहने की जगह नहीं, भाड़े संभाल, गरीब इंसान भाड़ा कहाँ से भरेंगे, हमको रास्ता चाहिए और क्या बोलूं, बस बस काम धंधे वाले हैं, हमको रास्ता जोता है, बच्चा लक्कू स्कूल में जाने वाले हैं, कैसे जमाना कैसा निकलेंगी, हमारी बाजार बंद हो गए, सब साग भाजी बाजार में जाते हैं, बस भाई हम बोल रहे हैं रास्ता पैक कर दिया है, आगे की तरफ पूरा ही रास्ता पैक कर दिया है हमारा, तो कहीं से कोई बच्चा नहीं आ सकता, नहीं जा सकता है, स्कूल जाने में तकलीफ, मेरी मम्मी इतनी हालत खराब है, पैर से चल नहीं सकती है, उसको आने जाने को तकलीफ, या यहाँ पर जो कोई गर्भवती औरत हो या कोई बुजुर्ग महिला हो कैसे जा सकता है, कोई कोई बीमार हो गया या कोई मृत्यु हो गया तो कैसे आएगा जाएगा, तो उसके लिए तो हमें रास्ता चाहिए ना, तो ये लोग हमें सुविधा निकालो, बस 100 बात की एक बात, हम वोट भी बाद में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, पहले ये रास्ता खोलो, फिर आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, किसी को वोट नहीं देने का रास्ता, रास्ता नहीं दे तो वोट भी नहीं दे। आप लोग की मांग क्या है, आप लोग की मांग क्या है, रास्ता रास्ता चाहिए भैया, और कोई मांग नहीं है हमारी, रास्ता दो, खाली रास्ता दो, रास्ता नहीं दिए तो सरकार ऐसा थोड़ी ऐसा कैसे चलेगा, रास्ता तो चाहिए ना, मेन रास्ता ही है हमारा, हमारा मेन रास्ता ये आ जाते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं ना, सुविधा के लिए आते हैं ना, नहीं पूरा संतोषी नगर कोई वोट नहीं देंगे, पूरा संतोषी नगर क्यों दे रास्ता ही नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, क्या माहौल चल रहा है, घर नहीं मकान नहीं तो वोट नहीं कहा जा रहा है ऐसा लोगों से, और ये भी कहने को आ रहा है कि ये जो कोर्ट लगाई गई है इसको जल्द से जल्द निकाला जाए, सरकार से अपील करते हैं, वरना हम वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करते हैं हम वोट का, इस तरीके का आप देख सकते हो माहौल चल रहा है, क्या पूरा मामला था, हमने हमारे दिकंटाब के माध्यम से देख सकते हैं आप, हाय हाय के नारे भी चल रहे, मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सवाल ये कि जैसे कि जो सरकार होती है और जो उनके अधिकारी होते हैं उनका काम होता है जो जनता है उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनको जो तकलीफ हो रही है उसकी समस्याओं को निकाल करना, कहां से कितनी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमने आपको बताया उस रोड से लेकर इस रोड तक पूरे कोर्ट खींच दी गई है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, क्या पूरा मामला था हमने हमारे दिकंटाप के माध्यम से हमने आपको बताया, मैं मोहम्मद नाजी पठान, आप देख रहे हैं दिकंटाप अहमदाबाद।